और हमारे जो हमारी महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जवान जवान लड़की आती है, दूर दूर से आती हैं, उनको रास्ते में छेड़ा जाता है, ये हमसे कई बार बता चुकी हैं। और मास्क पहन के, मुरैछा बांध के, और उठा ले जाएंगे तुमको, कार में बैठा ले जाएंगे, 10-10 लोग तुम्हारा रेप करेंगे, ये महिलाएं यहाँ के बोलती हैं, लड़कियाँ बोलती हैं, बताइए। नहीं, हमको धमकी दी गई है, नए विभाग के आगे जो है वहाँ पर रुके थे अज्ञात हमलावर, वहाँ धमकी दी कि मंदिर बंद कर दो, ठीक है, और चुपचाप कहीं किराए का घर लो जाके, नहीं तो परिवार के सहित गला काट के फेंक देंगे तुमको। हम दी गई थी कि प्रशासन को अगर तुम अवगत कराओगे तो समझिए उसी दिन परिवार तेरा समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं जो है शांत रहा। विधायक जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पर पुलिस प्रशासन रहेगा, यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए आश्वासन देकर गए। हम जिला प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि ये मंदिर है, धार्मिक प्लेस है, यहाँ पर अराजक तत्व तो आस पास न रह पाए, इसके लिए यहाँ पर राउंड मारना बहुत ज़रूरी है और पूछताछ की जाए कि आप किस मकसद से यहाँ खड़े हैं, कौन हैं आप। हम लोग भी यही कर रहे हैं, जिस दरबार में आप आते हो उस दरबार में कोई गलत कर सकते।